केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरनाथ यात्रा में हुई त्रासदी पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भारतीय फौज की जमकर तारीफ की है। वो आज मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने सेना के विषय में बोलते हुए कहा कि घटना के समय सेना के जवानों ने एक परिवार की तरह से श्रद्धालुओं की मदद करते हुए एक मिसाल कायम की है। वही कांग्रेसी नेता उदित राज द्वारा भारत की तुलना श्रीलंका से करने पर पूछे गए सवाल पर कहा, पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर ये कहा है। जहां तक भारत की बात है तो पिछले कुछ वर्षों में तो देश ने यथा तरक्की की है। नहीं, मैं तो सबसे पहले ये मुझे लगता है कि ये यकीनन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हुआ कि इतनी श्रद्धा से देश भर से वहाँ श्रद्धालु गए हुए थे, परंतु एक प्रशंसनीय बात है कि जैसे ही इस घटना का समाचार बाहर आया है, तुरंत जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अमल में ला लिया गया। NDRF SDRF ने तुरंत कार्रवाई अपनी प्रारंभ कर दी और उसी का नतीजा है कि बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों का बचाव भी हो पाया है। ये सच है कि अभी भी 15 या उससे अधिक कुछ शव प्राप्त हुए हैं, बहुत से 40-45 ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो लापता हैं, लेकिन जो बच गए हैं यदि आप उनका कथन सुनेंगे, उनकी व्याख्या सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी बात करने से ज़्यादा प्रभावी उनकी बात होगी। वो किस तरह से, आज आप देखें समाचार पत्रों में भी, अन्य सूत्रों में भी, वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें किस प्रकार सेना ने तत्काल आकर के हमने ना केवल बचाया बल्कि समय हमें बताते भी रहे कि भाई जहाँ खड़े हो वहाँ चिपक जाओ, उस चट्टान को पकड़े रखो, बिल्कुल जैसे घर परिवार के सदस्यों का बचाव किया जाता है, उस प्रकार से भारतीय सेना ने SDRF NDRF ने काम किया। और जैसे मैं कहता हूँ कई बार कि भारतीय सेना युद्ध के समय, युद्ध काल में तो प्रशंसनीय काम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन शांति काल में जो इनकी भूमिका रहती है, चाहे वो सद्भावना के तौर पर चाहे वो त्रासदी के समय में, उसका उतना उल्लेख नहीं होता। मुझे लगता है ये अवसर है हम अपनी सेना को और इन रेस्क्यू एजेंसीज को नमन भी करें और उनका अब मुझे लग ना कि ये एक पहली बात तो ये है कि ये क्यों कहा गया ये अलग बात है, लेकिन आप पत्रकार मित्र हैं, हर बात का विश्लेषण करते हैं, आज़ादी से लेकर के आज तक के घटनाक्रम पे आपकी नज़र रही है, क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? कोई कर सकता है? भारत इस समय ना केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। भारत लोकतंत्र की जननी है। 1947 से लेकर के आज तक जो एक साथ दूसरे देश आजाद हुए थे उनका क्या हुआ और क्या रहा वो कहने की आवश्यकता नहीं। भारत में एक एक दिन में लोकतंत्र मजबूत हुआ, यहाँ तक कि जब इमरजेंसी जैसी चेतावनी और चुनौती का सामना करना पड़ा 1975 में, तो सारा का सारा देश एक साथ एकत्रित होकर के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए सामने आया। तो मुझे लगता है कि ये ना केवल भारतीय संस्कारों और मर्यादा बल्कि भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक सोच का भी अपमान है इस प्रकार की टिप्पणी करना।